हेलो फ्रेंड्स, आप सभी लोग का स्वागत है टेक्निकल मोम यूट्यूब हिंदी चैनल पर। आज की इस वीडियो में हम लोग जानेंगे तत्काल टिकट कैसे बुक करें अपने पीसी या लैपटॉप से बिल्कुल इजी ट्रिक से। इस ट्रिक्स जो मैं ट्रिक आज को आपको बताने वाला हूँ, उस ट्रिक से आपको बहुत ही कन्फर्मेशन चांस रहेगा आपको कन्फर्म टिकट मिलने का तत्काल। यदि आप तत्काल टिकट ढूंढ रहे हैं और अपने मोबाइल या लैपटॉप से बुकिंग करना चाहते हैं तो इस ट्रिक को अपनाइए, इससे आप कन्फर्म अप टिकट बुकिंग कर सकते हैं। जैसे कि आप लोग पता है, यदि IRCTC पर आएंगे तो यहाँ पर देख सकते हैं तत्काल में इतना दिखा रहा, मात्र 75 सीट्स अवेलेबल दिखा रहा है, लेकिन इसको फिलअप करने में आपको काफ़ी सारा प्रॉब्लम्स हो जाता है। तो उसके लिए मैं आपको एक एक्सटेंशन के बारे में बताऊंगा। जैसे कि यहाँ पर देख पा रहे हैं, हमने ऑलरेडी एक्सटेंशन इंस्टॉल कर रखा है। तो आपको कैसे इंस्टॉल करना है, IRCTC ऑटो फिल पॉपअप, इसमें आपको यहाँ पर यूजर नेम और पासवर्ड, उसके बाद यहाँ पर सीट कन्फर्मेशन टाइमिंग में यहाँ पर दिख रहा है बुक टिकट तत्काल टाइमिंग 10 AM to 11 AM, यानी 10 बजे थर्ड AC का बुकिंग होगा और 11 बजे स्लीपर का। तो इसमें सारा डिटेल आप पहले से ही फिलअप कर लेंगे, जर्नी कहाँ से कहाँ जाना है सारी चीज़ें इसमें आपको पहले से ही फिलअप मिलेगा। उसके बाद यहाँ पर पैसेंजर नेम वगैरह डाल लीजिए और यहाँ पर पिन कोड वगैरह सारा कुछ फिलअप हो जाएगा। अब बिल्कुल यहीं से आप पेमेंट वगैरह किससे करना है, UPI से करना है किससे, तो मैं आपको रिकमेंड करूँगा कि आप हमेशा UPI से पेमेंट करिए, सबसे बेस्ट रहेगा। सारा कुछ डिटेल फिल करने के बाद, जैसे कि 10 बजने वाले हैं तो उससे आपको 1 मिनट पहले इसको यहाँ पर कनेक्ट पर क्लिक करना है। तो अब चलिए बात ये रह गई कि कैसे इसको हम अपने लैपटॉप या PC में कैसे इंस्टॉल करेंगे। तो जैसे आप यहाँ पर आ जाएंगे, यहाँ पर एक आपको ऑप्शंस मिलेगा क्रोम वेब स्टोर, जैसे इस पर आप क्लिक करेंगे तो यहाँ पर आपको कई सारे ऑप्शंस मिल जाएंगे। तो यहीं पर आप सर्च कर सकते हैं IRCTC, जैसे यहाँ पर रेल कनेक्ट जैसे दिख रहा है वैसे ही आपको यहाँ पर सर्च करना है IRCTC ऑटो, आपको टूल मिल जाएगा। और मेरे में ऑलरेडी इंस्टॉल्ड दिखा रहा है तो आपको यहीं से इंस्टॉल करना है। उसके बाद इस एक्सटेंशन से आपको अच्छे परफॉर्मेंस मिलेगा और इससे आप टिकट से कन्फर्म बुकिंग कर सकते हैं। तो इस एक्सटेंशन को एक बार ज़रूर ट्राई करें, उसके बाद आप कमेंट में बताएं कि आप इस एक्सटेंशन को ट्राई कर रहे हैं कि नहीं।